संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम आम की पापड़ बनाने जा रहे हैं। सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। 1 किलो पके हुए आम, 5 चम्मच शक्कर छोटे चम्मच में, घी प्लेट पर लगाने के लिए। ये आम को छील करके काट करके तैयार कर लिया है, ये एक बर्तन पे रख लिया है। ये अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। मिक्सर जार में डाल दिया, ढक्कन को बंद करेंगे और इसे ग्राइंड हमारा हो चुका है। ये देखिए पूरा पीस चुका है अच्छे से, बिल्कुल इसमें गुठलियाँ नहीं है। तो इसे एक बर्तन पे पलट लेंगे, पूरा पलट लेंगे। चलिए अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे तेज फ्लेम पर। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अपना इसमें बैटर डालेंगे। और बराबर से चला देंगे, गैस को मंदी कर देंगे और शक्कर डालेंगे। 5 चम्मच ली है शक्कर छोटे चम्मच में। ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे क्योंकि पके आम है, ये खुद ही मीठे होते हैं। और इसे 20 मिनट तक चलाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, आम पक कर के तैयार हो गया है। एक थाली पे घी लगाएंगे, घी लगा कर रेडी कर लिया है, अपना इसमें बैटर डालेंगे और बराबर से फैला देंगे। थोड़ी देर तक टेम्परेचर पे रखेंगे, धूप में सुखाएंगे। 2 दिन तक धूप में रखा इसको, ये सूख करके तैयार हो गया है। ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये पूरा तैयार है। ये अब हम काटना शुरू करेंगे। आप अपने हिसाब से इसको सेब दे सकती हैं। ये काट कर तैयार कर लिया है, इसे आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकती हैं।